नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। 20 जुलाई से विभिन्न मांगों को लेकर बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसके अलावा टोल टैक्स और अन्य टैक्सों से प्रभावित ट्रांसपोर्टर्स ने 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। ट्रांसपोर्ट नगर में इन ट्रकों की कतारें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इस पूरी हड़ताल के माध्यम से अब कारोबार भी प्रभावित होने लगा है और चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन के आह्वान पर ट्रकों में बढ़ते हुए खर्च को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। टोल टैक्स सबसे बड़ी समस्या है। टायरों के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, पुलिस खर्चा एंट्री के विरोध में, और बीमा का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो गया। इस कारण से यह हड़ताल की है। ये 20 तारीख से चल रही है, अभी अनिश्चितकालीन है। जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक ये हड़ताल। करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर, इनकी मंडियों में भाव बढ़ते जा रहे हैं। इटावा में लाखों गाड़ी माल रखा हुआ है, कोई लोड करने को तैयार नहीं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।